हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हलवाई जैसी खोए की बर्फी। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए खोआ, ये घर का बना हुआ है। और चाहिए हमें, मेरे पास ये तगार है जिसे मोटा बूरा या इसकी जगह आप नॉर्मल बूरा या आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। और इलायची पाउडर, गार्निशिंग के लिए बादाम, और ग्रीस करने के लिए घी चाहिए जिसे हम प्लेट में सेट करेंगे अपनी बर्फी को। उसके लिए हमें घी चाहिए। तो सबसे पहले हम खोए को गर्म करेंगे, उसे पूरा मेल्ट कर लेना है अच्छे से, उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, कोई गाठे ना रह जाए। ये मेरे घर का खोआ है, मैंने घर पे बनाया है, तो इसलिए इसमें ज्यादा घी ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी। और अगर आप बाहर के खोए का यूज कर रहे हैं तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच घी ऐड करें, क्योंकि वो ड्राई होता है। इसे हम अच्छे से चलाएंगे, पूरा मेल्ट करेंगे। अब हमारा खोआ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें एक तवा डालूंगी, आप इसकी जगह चीनी या बूरा कुछ भी यूज कर सकते हैं। और मीठा अपने हिसाब से डालें, जितना आपको मीठा चाहिए हो। अब हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि एक जैसा हो जाए, बिल्कुल क्रीमी। देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से एकदम मिक्स हो चुका है आपस में, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी। और मैंने कुछ बादाम लंबे लंबे कट करे हैं, इन्हें भी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब तक हम एक थाली लेंगे, उस पर घी लगाएंगे, आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको इसमें पलट दूंगी। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। बादाम की जगह काजू, पिस्ता, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए, जब तक ये सेट हो जाती है पूरी। अभी हमारी बर्फी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे एक चाकू की मदद से काट लेंगे। अब हमारी बर्फी बनके एकदम रेडी है।